क्लास 4 हमारा EVS चल रहा है, जिसके हम चैप्टर 4 में हैं। इसके हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हमने फूड के बारे में पढ़ा, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। अब जो थर्ड तरह का न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमने देखा था कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट है, 5 टाइप्स के, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमने पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप का न्यूट्रिएंट है, जो है फैट्स। क्या है? फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। हमने जैसे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वो क्या थे? एनर्जी गिविंग थे। उसी तरह फैट्स भी हैं, जो क्या है? एनर्जी देने वाले खाने के पदार्थ है। बट दे डू नॉट रिलीज द एनर्जी इमिडिएटली। जैसे कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी को हमें देते हैं, वैसे ही फैट्स क्या है? हमें इमिडिएटली का मतलब तुरंत एनर्जी नहीं देते। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से भी क्या देते हैं? ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मोर का मतलब ज़्यादा, यानी फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एक्स्ट्रा फैट गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी एज फैट। और अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को खा लें, तो वो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में या स्किन में स्टोर हो जाता है, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। एंड हेल्प कीप द बॉडी वार्म, और हमारी बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने में भी ये क्या करता है? फैट हमें मदद करता है। तो फैट हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, और एक्स्ट्रा फैट होता है जो बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करता है। तो फैट हमें क्या खाने से मिलता है? क्रीम, जैसे ये क्रीम है, ठीक है, बटर, ठीक है, फिर नट्स, अलग अलग तरह के काजू बादाम, है ना, और उसके बाद ऑयल यानी तेल, जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं ना, सब्जियों में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें, क्रीम, बटर, नट और ऑयल, ये सब हमें खाने से क्या मिलता है? फैट मिलता है। जो फैट एक तरह का क्या है? न्यूट्रिएंट है। ये क्या है? न्यूट्रिएंट। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में इनको खा लें, यानी चीज़ को खा लें, क्रीम को खा लें, बटर को खा लें, नट यानी ऑयल वाली तेल वाली चीज़ों को हम ज़्यादा खा लें, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ओबेसिटी। क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। ओबेसिटी का मतलब क्या है? मोटापा। ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा। नॉट ए डिसीज, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इट सेल्फ बट इट कैन लीड टू ए नंबर ऑफ डिसीज। लेकिन अगर आपको एक बार मोटापा हो जाए, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे आपको BP बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट यानी दिल में भी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें फैट वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पार्ट है हमारा विटामिन्स। क्या है? फोर्थ मिनरल कौन सा है? विटामिन। टोटल 5 है, उसमें फोर्थ नंबर में विटामिन। बॉडी, आवर बॉडी रिक्वायर विटामिन टू रिमेन डिसीज फ्री एंड हेल्दी। हमारे बॉडी को विटामिन किस लिए चाहिए? ताकि हम डिसीज यानी बीमारी से क्या रहे? फ्री रहे, यानी हमें कोई बीमारी ना हो, और हमारी बॉडी क्या रहे? हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहे। विटामिन हमें किससे मिलता है? फ्रूट्स को खाने से, वेजिटेबल्स को खाने से, और मिल्क, दूध पीने से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। किस किस से मिलता है? फ्रूट्स यानी फल, और फिर क्या है? वेजिटेबल यानी सब्जियां, और मिल्क यानी दूध। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है। ईच विटामिन एज वन और मोर यूज इन द बॉडी, और हर एक विटामिन का एक या एक से ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी के अंदर इनका क्या होता है? उपयोग होता है। उसके बाद फिफ्थ तरह का जो न्यूट्रिएंट है, वो क्या है? मिनरल। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे पहला न्यूट्रिएंट था। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन, ठीक है, ये सेकंड था। फिर था फैट्स, फिर उसके बाद क्या आया? विटामिन, और अब ये फिफ्थ नंबर पे क्या है? मिनरल्स। हमने देखे थे ना, 4 तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल आर रिक्वायर्ड फॉर टीथ, बोन। ये मिनरल्स हमारे दांतों को, हड्डियों को और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो मिनरल है दैट कीप अवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल है, ये हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को क्या रखता है? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना के रखता है। और ये मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं? दूध पीने से, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी यानी हरे पत्ते वाले, जैसे ये मिल्क पीने से, और एक हरे पत्ते वाले यानी ग्रीन लीफ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, उन वेजिटेबल्स को खाने से हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेंगे। तो हमें
दूध और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से हमें मिनरल्स मिलेंगे, तो इसके कारण मिनरल्स हमारे बॉडी में हमारे बोन्स को और टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उसके अलावा हमें इन 5 न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए ही है, उसके अलावा हमारे बॉडी को क्या चाहिए, रफेज भी चाहिए। क्या चाहिए, रफेज चाहिए। वाटर एंड रफेज आर इजीली इम्पोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट, तो ये तो 5 तो चाहिए, उसके बाद रफेज और वाटर भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रफेज इज़ द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड, यानी रफेज का मतलब है जो खाने के अंदर का जो फाइबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। इट हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ बाउल्स एवरी डे, और ये हमारे बॉडी में खाने को स्मूथ मूवमेंट करने में क्या करता है, मदद करता है। और ये हमें क्या खाने से मिलता है, रॉ वेजिटेबल यानी कच्चे सब्जियाँ खाने से मिलता है, जैसे हम सलाद खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। एंड फ्रूट आर रिच इन फाइबर, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो भी क्या होते हैं, फाइबर युक्त होते हैं। तो इसीलिए हमें हमारी बॉडी में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही है, विटामिन चाहिए ही है, प्रोटीन भी चाहिए, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, फैट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, रफेज भी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को पूरी तरह से मूव कर सके। और ये जो बाउल है इसको हम हिंदी में आंत बोलते हैं, आंत, जो हमारे अंदर आंत होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। पेट तो हमारा स्टोमक होता है, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, उनको आंतड़िया बोलते हैं, इंटेस्टाइन, और उसके बाद फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे इन सब में खाने को अच्छी तरह मूव, क्योंकि खाना इनके अंदर जाके पचता है, तो इन सब में खाने को अच्छी तरह मूव करने में कौन मदद करता है, रफेज मदद करता है। उसके बाद है वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारे बॉडी का 2/3 पार्ट, यानी हमारे बॉडी का 2/3 पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, पानी से ही मिलकर बना हुआ। वी लॉस ए लॉट ऑफ वाटर व्हेन वी स्वेट और पास यूरिन, हमारे बॉडी में से स्वेट का मतलब पसीना निकलता है, और यूरिन का मतलब जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे बॉडी में से बहुत सारा जो पानी है वो बाहर आ जाता है। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू वर्क वेल, पानी हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में मदद करता है। एंड मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर का मतलब तापमान को अच्छा बना के रखता है, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 6 से लेकर 8 ग्लास पानी हर दिन पीना है। हमें हर दिन कितना ग्लास पानी पीना है, 6 से लेकर 8 ग्लास पानी को हमें हर दिन पीना है। उसके बाद हमारा आता है बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट क्या होता है, तो एक बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो। हमने जो 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़े थे ना, कितने न्यूट्रिएंट है, 5, अगर सारे तरह के न्यूट्रिएंट हो तो ऐसे डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। देखो, ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट का मतलब सारे पोषण के पदार्थ हो, इन द राइट अमाउंट, और राइट अमाउंट का मतलब सही मात्रा में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी यानी स्वस्थ रूप से ग्रोथ कर सके। द चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट गिवन हियर शो द डिफरेंट फूड आइटम अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिएंट। इसमें देखो, ये बैलेंस डाइट है जिसमें अलग अलग मीट है, फिश है ना, फूड है, ड्रिंक्स है, इन सबको अलग अलग बांट रखा है क्योंकि इनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना। जंक फूड का मतलब पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हमें नहीं खाना है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, जंक फूड। इनको जंक फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होते, जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं वो नहीं होते। तो जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, दे डू नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये क्या नहीं प्रोवाइड करते, जो हमें न्यूट्रिएंट जरूरी है वो प्रोवाइड नहीं करते टू आवर बॉडी। किसको प्रोवाइड नहीं करते, हमारी बॉडी को। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, हमें ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फल को खाना चाहिए, और हमें रॉ वेजिटेबल का मतलब कच्चे वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, जैसे ककड़ी, जो कच्चा वेजिटेबल हम खा सकते हैं ना, उसको हमें खाना चाहिए। विच प्रोवाइड सफिशियंट, जो हमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। विच प्रोवाइड सफिशियंट विटामिन एंड मिनरल टू अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ये चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया है।
अब आपका वर्क है कि आप इस चैप्टर को यहाँ तक क्या करना, कंप्लीट करना, और अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर